अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10.5 मरला का एक खूबसूरत और डिज़ाइनर हाउस, जिसकी लोकेशन फेज़ 8 बहरिया टाउन रावलपिंडी है। और बिल्कुल ये मुनासिब कीमत में आपको घर मिल जाएगा। ये आप सामने देखें, यहाँ पर जो इसके ओनर हैं उन्होंने लिखा भी है स्पेशल ऑफ़र। बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइनर हाउस है। ये फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं, लोकेशन इसकी बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी है। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रीट व्यू करवाता हूँ। ये इसकी स्ट्रीट बनती है, काफ़ी घर बने हुए हैं यहाँ पर और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। रिहाइश के लिए ये बेहतरीन एरिया है। ये इसके सामने छोटा सा लॉन एरिया दिया गया है। ये इसका कार रैंप आ जाता है, यहाँ पर टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया। और ये इसका खूबसूरत गेट, बिल्कुल मुनासिब कीमत में ये घर है। वीडियो आप देखते रहें, मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है और प्राइस भी मैं आपको आगे चल के इसकी बताता हूँ। और ये बिल्कुल कैश पर फॉर सेल है। घर के अंदर इंटर होते हैं, जैसे आप इंटर होंगे सबसे पहले इसका कार पोर्च का एरिया आ जाता है। यहाँ पर आप दो गाड़ी बड़ी खड़ी कर सकते हैं इजीली। कार पोर्च में सीलिंग का बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है, सामने ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। और डबल यूनिट ये घर है, यहाँ से आप इसको डबल यूनिट भी कर सकते हैं। सामने इसके दो मेन डोर आ जाते हैं और डोर जो हैं वो बहुत ही सॉलिड तैयार किए गए हैं। ये आप चेक करें, बेहतरीन डिज़ाइन में। तो ये इसका ड्राइंग रूम है और ये इसका मेन डोर आ जाता है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं। ये आप चेक करें, ड्राइंग रूम में दो विंडो दी गई हैं। और ये आपको मैं बताता चलूँ, कॉर्नर का घर बनता है ये, स्ट्रीट कॉर्नर भी है ना। तो यहाँ पर इसका छोटा सा लॉन एरिया दिया गया, ये आप चेक करें। और ये ड्राइंग रूम का आपको वॉशरूम मिल जाता है। तो जल्दी से हम घर के अंदर इंटर होते हैं। ये जैसे आप इंटर होंगे सबसे पहले आपको इसका टीवी लॉन का एरिया मिल जाता है, काफ़ी बड़ा टीवी लॉन्ज है। सामने आप देख रहे हैं स्टेयर जो फर्स्ट फ्लोर पर जा रही हैं, इसके आप पार्टीशन करके यहाँ पर इसको डबल यूनिट भी कर सकते हैं। और ये इसका टीवी लॉन्ज है, बेहतरीन सीलिंग डिज़ाइन किया गया है। सामने मीडिया वॉल दी गई है। और ये इसके बेडरूम और किचन आ जाता है। सबसे पहले हम इस बेडरूम में चलते हैं, काफ़ी बड़े और खुले बेडरूम दिए गए हैं। 10.5 मरला का ये एरिया बनता है। और यहाँ पर चेक करें, वुड का बेहतरीन काम किया गया है, वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। और ये इसका वॉशरूम आ जाता है, यहाँ पर कबर्ड तैयार की गई है और तरफ इसका आपको वॉशरूम मिल जाता है। ये इसका पहला बेडरूम है। इसके बाद मैं आपको इसके सेकंड बेडरूम में ले चलता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर इसके दो बेडरूम हैं। ये इसका सेकंड बेडरूम आ जाता है, यहाँ पर विंडो दी गई है। इस तरफ बेहतरीन वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया, साथ ही वुड का बेहतरीन काम किया गया, सीलिंग बेहतरीन डिज़ाइन में। और ये इसका बाथरूम, यहाँ पर भी कबर्ड तैयार की गई है। और ये इसका बाथरूम आ जाता है। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर, आपको ग्राउंड फ्लोर का किचन, ये इसका किचन आ जाता है। किचन में भी बेहतरीन कबर्ड तैयार की गई हैं, सॉलिड शीट के साथ, नीचे वुडन टाइल का इस्तेमाल किया गया है, बेहतरीन सीलिंग डिज़ाइन है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर का आपने विज़िट किया है। इसके बाद मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पर ले चलता हूँ, वीडियो आप देखते रहें। तो साथ साथ मैं आपको इसकी प्राइस बताता चलूँ। प्राइस है इसकी 4 करोड़, बिल्कुल मुनासिब कीमत में ये घर इस वक्त दिया जा रहा है। बहरिया टाउन रावलपिंडी में 10.5 मरला का घर, कॉर्नर का घर, आपको इतनी प्राइस में नहीं मिलता, बहुत ही मुनासिब कीमत है। और ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से आप चेक करें। ये इसका टीवी लॉन्ज, सामने ओपन किचन, और कितनी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। सीलिंग का डिज़ाइन देखें, बेहतरीन लाइट के साथ तैयार किया गया इसको।
और इस तरफ जो स्टेयर हैं यहाँ से आप ऊपर आते हैं और ये स्टेयर जो है इसकी छत पर जा रही है। सामने मीडिया वाल दी गई है टीवी लॉन्ज में और इस तरफ ओपन किचन दिया गया है। दो बेडरूम राइट साइड पर हैं और एक बेडरूम आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाता है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है तो काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये इसका ओपन किचन है फर्स्ट फ्लोर पर, बेहतरीन काम किया गया है, खूबसूरत कलर कम्बिनेशन और कबर्ड जो है बेहतरीन तैयार की गई हैं। सीलिंग का डिज़ाइन देखें, ये इसका फर्स्ट फ्लोर का किचन है। और यहाँ से अगर आप देखते हैं, ये आप किचन चेक करें, यहाँ पर आप पार्टीशन करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये आपका सामने टीवी लॉन्ज है। इसके बाद मैं आपको इसके पहले बेडरूम में ले चलता हूँ। ये इसका पहला बेडरूम है, बेहतरीन काम किया गया है यहाँ पर, काफ़ी बड़े बेडरूम दिए गए हैं और बेडरूम में भी आपको मीडिया वाल मिल जाती है। और ये इसका सेकंड बेडरूम आ जाता है, यहाँ पर भी सीलिंग का बेहतरीन डिज़ाइन, इस तरफ आपको अटैच बाथ मिल जाता है। बाथरूम भी इस घर के काफ़ी खुले हैं। सामने इस कमरे में भी आपको मीडिया वाल मिल जाती है। और ये इसका तीसरा बेडरूम है, इसको आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखें खूबसूरत टाइल और टाइल की शाइनिंग देखें। सामने विंडो दी गई हैं, कॉर्नर होने की वजह से दो विंडो इस कमरे में भी आपको मिल जाती है। ये आप यहाँ से इसका व्यू देखें, ये नीचे आपको लॉन एरिया मिल जाता है। और ये सामने इसका फ्रंट से आप व्यू चेक करें, तो बेहतरीन और ख़ूबसूरत इस घर को बनाया गया है। ये इसका अटैच बाथ है, यहाँ पर दोनों तरफ कबर तैयार की गई हैं। और ये इसका वाशरूम है, काफ़ी बड़ा और खुला वाशरूम आपको मिल जाता है, बेहतरीन टाइल के साथ तैयार किया गया है। इम्पोर्टेड चीज़ें, यहाँ पर सामने शावर भी इंस्टॉल किया गया है। तो ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा ये बेडरूम आपको मिल जाता है। यहाँ से आप टेरेस में भी एंटर हो सकते हैं इसी बेडरूम से। तो बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइनर हाउस है, 10.5 मरला का ये हाउस है, बिल्कुल मुनासिब कीमत में आपको मिल रहा है। इतनी प्राइस में आपको बहरिया टाउन में 10.5 मरला का घर नहीं मिलता। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, घर के विज़िट के लिए भी आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।